भाई आपको फिर से सीधा लिए चलते हैं पठानकोट, जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो उनका है वो छीन के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों को दे दो। क्यों? क्योंकि उद्योगपति इनकी पार्टी के मार्केटिंग करते हैं। 24 घंटा मीडिया पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी टीवी ऑन करके देखो, आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। किसान के सामने जो समस्या है, महंगाई, खाद की कमी, बीमा योजना, इनके बारे में आपने मीडिया में कभी चर्चा देखी है? गलत जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में आपने किस अभी मीडिया में आपने कभी चर्चा देखी है? दिख नहीं सकता। क्योंकि इनका लक्ष्य, और इनकी गलती नहीं है, जो यहां है इनकी गलती नहीं है, जो इन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करते हैं, उनका लक्ष्य सच्चे मुद्दे पर हिंदुस्तान का ध्यान ना चला जाए। 24 घंटा यही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब काटी जा रही है। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, दो तीन लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा, भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो। कभी नहीं कहेगा, कहेगा देखो उधर, देखो देखो उधर, देखो ऐश्वर्या राय की ओर, देखो शाहरुख खान की ओर, देखो विराट कोहली की ओर, देखो हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। तो ये कर रहे हैं, ये जेब कतरा 1,000, 2,000, 5,000 रुपए चोरी करता है, ये लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से छीन लेते हैं। इसलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा। आपने इतना प्यार दिया, इतनी मदद की, मैं आपको यहां 2 घंटे 3 घंटे बोलूं तब भी नहीं समझा पाऊंगा। आपने कितनी स्ट्रेंथ दी हमें। सड़क पे कोई गिरता था, चोट लगती थी, एकदम आप मदद करते थे। यात्रियों ने हमें कहा कि ढाबों में उनसे कोई पैसा नहीं लेता था। पंजाब के लोग कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हां चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यह सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने यह दिखाया, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक दो प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परौंठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। वो मक्के की रोटी सरसों का साग दिल्ली वाला नहीं चलेगा। अब मैं सोच रहा था, मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था, अभी सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए।
तो आप में इनोवेशन भी है, देखो देसी पिज्जा, आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। और आपका जीने का तरीका आपका है, आपके ऊपर चीजें थोपी नहीं जा सकती, आपकी भाषा है, आपके गुरु हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है। और ये नया नहीं है, ये सालों से चल रहा है। मैंने जानबूझ के पगड़ी पहनी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो रास्ता आपके गुरुओं ने दिखाया है, उसका मैं आदर करता हूं, उसके सामने मैं सिर झुकाता हूं, और वो मेरा रास्ता भी है। और उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है, हर रोज सीखने को मिलता है। पिछली मीटिंग में मैंने कहा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा, उनको कहा कि भगवान मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। यह मैंने मामूली बात नहीं कही है। सबसे पहले मैं आपको, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आप में और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत फर्क है। आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूं, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। एक कार्यकर्ता है, सड़क पर मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, कांग्रेस पार्टी का है, मैं किसी और से चेक करता हूं। सड़क पे साइड पे किसान मिले, पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा भैया बताइए, ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है, इसने क्या किया? नहीं, उसका जवाब था कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मगर अगर ये किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है, और मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल मतलब, और वो कहे राघव चड्ढा मतलब आरसी, तो ये सही बात नहीं है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े हैं, बैठे हैं, गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट्स दी जाए आपके पैसे से, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये पंजाब के लोगों का पैसा है। और मैं फिर से कहता हूं,
कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। आपने खूब सपोर्ट की, नफरत के बाजार में आप सब ने मोहब्बत की दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।